सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर शो। आज बहुत दिनों बाद यहाँ पे आगमन हुआ है द्रोणदा जंक्शन पे। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर शो। आज बहुत दिनों बाद यहाँ पे आगमन हुआ है द्रोणदा जंक्शन पे और काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। बट अभी ऐसा है कि यहाँ पे ट्रेनें बहुत कम रुक रही हैं क्योंकि अभी COVID-19 की वजह से काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। सिचुएशन बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छी भीड़ लगती थी, ट्रेनें रुकती थी। अभी तो ऐसा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेवलर जो हैं वो लोकल के हैं और बाई लक होता है ऐसा, जैसे कि एक्सप्रेस वगैरह है उनके लिए टिकटें कराते हैं लोग। तो अभी ऐसा है कि लोकल में ट्रेनें बंद हैं यहाँ पे, तो भीड़ ना मात्रा में है बिल्कुल, और सिर्फ एक्सप्रेस जो दो चार ट्रेनें रुकती हैं उनके लिए लोग टिकट कराते हैं और ट्रेवल करते हैं। तो बात करूँ तो यहाँ पे एक फुट ब्रिज भी है जो कि पहले से बहुत अच्छा कर दिया गया है। पहले ऐसा था कि उसके साइड साइड में जाली नहीं था, अभी जाली लगा दिया गया है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए बिजली का वायर जो है वो उससे बचने के लिए उसको भी सेफ किया गया है। और अभी आप देख सकते हैं मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ, हम देखो एकदम बिल्कुल खाली है। और वो बैक साइड में जो आप देख रहे हो ट्रेन जो खड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। वो लाइन पे सिर्फ महाराजगंज के लिए गाड़ी आती है जो कि अभी कोरोना काल में बंद है, तो इसीलिए उस पर भी उन्होंने मालगाड़ी को खड़ा कर रखा है उसके बगल में जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2। अगर मैं बात करूँ द्रोणदा प्लेटफॉर्म के अपसाइड वाले एरिया की तो यहाँ पे एक शेड है जो कि वेटिंग के तौर पे यूज़ करने के लिए बनाया गया है। और मैं मानूँ तो इधर कोई आता नहीं है क्योंकि ट्रेन का इंजन यहीं तक आता है और इसमें ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, इसके वजह से इसका स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गया है जैसे आप देख सकते हो। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रेलवे जो है हमारी कंट्री की, ओ इसका डेवलपमेंट अभी इतना अच्छा है कि ये हर जगह मतलब रिपेयरिंग, रेलवे के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो वो अभी काम कर रहे हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं आप पीछे। और उसके आगे ढाला है द्रोणदा ढाला, जो कि अभी मैं सडनली यहाँ पे आया था रेलवे स्टेशन पे क्लिप्स वगैरह बनाने के लिए, तो मुझे पता चला कि किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पे ढाले को तोड़ दिया अपने पिकअप से वैन से करते। जो महाराजगंज की तरफ से आने वाला ढाला है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। क्षतिग्रस्त होने की वजह से एम्प्लॉयज़ को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो भी सिवान से ट्रेनें आ रही हैं उनको थोड़ी देर के लिए स्टॉप लाइन पे रोका जा रहा है और उसके बाद से यहाँ पे चेन के सहायता से ढाले को बंद किया जा रहा है पहले, उसके बाद से ये जो साइड है छपरा की तरफ जाने के लिए ट्रेनें आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस काम भी। मैं अभी द्रोणदा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में हूँ और ये है यहाँ का हाल, बिल्कुल खाली प्लेटफॉर्म क्योंकि कोरोना की वजह से एक भी लोकल ट्रेनें नहीं। अभी हम बात करें प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तो आप देख सकते हो कुछ मात्रा में भीड़ है, जो कि अभी 12 बजे करीब में ट्रेन आने वाली है उसी की भीड़ है। और मैं यहाँ पर बात करूँ इस शॉप की, ये यहाँ पे एक नया शॉप खुला है जो कि अच्छा डेवलपमेंट है द्रोणदा स्टेशन का, और डिजिटल घड़ी भी लगी हुई है यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा।